यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हार्डकोर हिंदुत्व वाले एक बयान ने पूरे यूपी में घमासान मचा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बयान की न सिर्फ निंदा की है बल्कि आदित्यनाथ पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। इस बयान ने यूपी की सियासत को पूरी तरह से गर्मा दिया है। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच मचाई घमासान और योगी आदित्यनाथ का ये बयान उपचुनाव में किसे पहुंचाएगा फायदा और किसका होगा नुकसान, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। कटेंगे तो कटेंगे। तो सुनो आपने, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया है। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी पंडित मान रहे हैं कि उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की साख दांव पे लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में जिस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन किया है उससे पार्टी उभरना चाहती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपने पुराने तेवर यानी हार्डकोर हिंदुत्व पर लौट आए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी को लगता है कि इसका फायदा उसे मिल सकता है। लेकिन वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अब इससे बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं होगा। वो अयोध्या लोकसभा सीट का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जब राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी अयोध्या हार गई तो वह हार्डकोर हिंदुत्व नहीं बल्कि जनता असल मुद्दों पर चुनाव चाहती है और यही वजह है कि ये जो बयान है इससे कोई खास फायदा बीजेपी को नहीं होगा। उधर अखिलेश यादव ने भी करारा हमला बोलते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ की इस नई छवि का फायदा पार्टी को उपचुनाव में मिलता है या नहीं, या फिर कहीं अखिलेश यादव इस बयान को भुनाकर पीडीए को क्या एक बार फिर साथ लेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।